स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे झारखंड का जो ये एग्ज़ाम और ये जो JSSC आयोग है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसने न जाने कितने घोटाले किए हैं, न जाने कितने स्टूडेंट्स के, कितने बेरोजगारों के, कितने अभ्यर्थियों के इमोशन के साथ खेला है, कितनों के मेहनतों में पानी फेरा है और न जाने कितने पूंजीपतियों को और भी पूंजीपति बनाया है, उनका करियर को संभाला है, न जाने कितने पूंजीपतियों को नौकरी दिलाया है, गरीबों को लूटा है। बात कर रहे हैं JSSC CGL एग्जाम को। बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं अलग अलग जगहों से इसमें गड़बड़ियां की, तो बात करते हैं आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है और क्या है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि कमेंट आ रहा था लोगों का कि आप भी कुछ बोलिए। तो चलिए, हक है मेरा भी बोलने का। सबसे पहले हम बात करेंगे नियमावली परीक्षा का क्या है। हम खुद परीक्षा दे के आए हैं, परीक्षा का नियमावली पर बात करेंगे तो आपको भी साइड में दिखाएंगे। JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा नियमावली में यह उल्लेखित है, यह लिखा हुआ है कि आयोग को नए प्रश्नों का निर्माण करने चाहिए, नए क्वेश्चन, नए प्रश्न का निर्माण करना चाहिए। निष्पक्षता का सिद्धांत, आयोग की नीति के अनुसार सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है, सिर्फ पूंजीपतियों को नहीं, सिर्फ पैसों को नहीं, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे। किसी के पक्ष में मतलब एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हो रहा है किसी के पक्ष में, किसके पक्ष में, जो 25 लाख 30 लाख दे रहा है। कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा में लिखा, यदि प्रश्न पत्रों का हूबहू उपयोग किया गया तो यह कॉपीराइट कानून का उल्लंघन हो सकता है। तो कॉपीराइट कानून YouTube में भी उल्लंघन, थोड़ा सा कुछ कॉपीराइट कर देते, किसी का थोड़ा सा सॉन्ग यूज कर देते हैं, फोटो यूज कर देते हैं, कॉपीराइट आ जाता है, चैनल डिलीट हो जाता है। अरे JSSC इतना बड़ा का संस्थान पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा है तो उसका संस्थान डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो JSSC का जो भी वेबसाइट है उसमें जाइए, पूरा डिटेल इसका जानकारी मिल जाएगा। तो हम इसको बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्या साफ साफ लिखा हुआ कि कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, नया क्वेश्चन होनी चाहिए। आप क्वेश्चन देखो रीजनिंग का उठा कर दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ का ना रीजनिंग का, ये क्वेश्चन आया है रीजनिंग का, ये क्वेश्चन है ना, आपको साइड में दिखा दे रहे हैं 2024 में, देखिए पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम दिए होंगे वो देखे होंगे, है ना, देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा। देखिए SSC संयुक्त स्नातक स्तर टायर 1 CBT परीक्षा 6/7/2019 वाला क्वेश्चन, देखो फिगर उगर भी देखो, ऑप्शन भी सब कुछ देखो, सेम टू सेम 2019 वाला क्वेश्चन को छाप दिया, 2019 का ये क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन को छाप दिया, रीजनिंग का सब क्वेश्चन को छाप दिया। तो ये क्या है, पूरी तरह से कॉपी पेस्ट। अब बताइए अगर उतना बड़ा संस्था है और आप में इतना काबिलगर लोग नहीं दिख रहे हैं कि जो क्वेश्चन बना सके, तो कहीं दूसरा स्टेट से मंगा लेते कोई बढ़िया टीचर को, झारखंड में कोई काबिलगर टीचर या कोई नहीं बचा है तो कहीं से मंगा लेते, और मंगाने के बाद कोई एक सिंपल सा स्कूल टीचर को भी बोल देते ना तो अच्छा खासा क्वेश्चन बना देता। लेकिन नहीं, क्या किया, पूरी तरह से कॉपी पेस्ट। अच्छा ये तो रीजनिंग का है, पूरी तरह से रीजनिंग को कॉपी पेस्ट 2019 को। अगर वैसा काबिलगर झारखंड में नहीं मिल रहा है इनको टीचर जो कि क्वेश्चन बना सके, तो कोनो दूसरा स्टेट से भी उठा के ले बनवा लेता क्वेश्चन, लेकिन नहीं, क्या किया, उसी को कॉपी पेस्ट। अब बताइए ये तो पूरी तरह से उल्लंघन है, कॉपी पेस्ट एकदम, वो भी बहुत पुराना रहता, जैसे कि हर साल एग्ज़ाम होता, हर साल एग्जाम होता और 8-10 साल पहले वाला क्वेश्चन दे देता, तो चलो कोई दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं, क्या है कि ऐसा होता है रिपीट करता है एग्ज़ाम में, लेकिन एकाध दो रिपीट करे या पूरा भी आ जाए, लेकिन बहुत पहले अगर हर साल एग्ज़ाम होता तो ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि चलो पिछले साल वाला थोड़ी आया या 2 साल वाला, उतना दिन वाला आया था तो उतना दिन में फिर से रिपीट होना चाहिए, तो अच्छा हुआ रिपीट कर दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक पहली एग्ज़ाम हुआ था वही 2016 में, दूसरा आज हो रहा है, 2019 में हुआ था उसके बाद आज हो रहा है,
और वही वाला क्वेश्चन वहाँ कुछ छाप दिया जो 19 में था, वही क्वेश्चन वहाँ सेम दे दिया। ठीक, यहाँ तक ये एक गड़बड़ी है। और ये बहुत बड़ा गड़बड़ी, अगर इसको आयोग कहेगा कि हाँ हमको मन था हम कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, हम पिछले साल वाले दिए बार बार एक एक क्वेश्चन दे, उससे क्या दिक्कत है, चलो ठीक है। अच्छा, कुछ गड़बड़ी ऐसा भी था, इंग्लिश से कुछ और हिंदी से ट्रांसलेशन गलत था, है ना, ट्रांसलेशन कुछ कुछ क्वेश्चन का गलत था। अब देखो ये तो क्वेश्चन दिखा दिए, अब देखिए ये, देखिए ये वाला, ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी आ रहा है। क्वेश्चन तो सेम टू सेम छाप दिया, वो अलग बात है। ये देखिए सभी का आंसर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके दिख रहा है, हैं किसका आंसर क्या होगा। ये फोटो कब लिया गया है देखिए, झारखंड सितंबर 22 सितंबर को सुबह 7:30 में लिया गया है ये तस्वीर, है ना, मतलब पूरा रट रुटा लिया गया, फोटो लिया गया उस समय। देख लीजिए पूरा पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर है, जितना कंप्यूटर में जो क्वेश्चन था ये सब है, है ना, मैथ का था, मैथ का यहाँ से देखिए, मैथ का 1 2 3 4 5 6 7 8 12, है ना, पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ रीजनिंग का है, ठीक है, साइंस का है, जनरल का है, है ना। और ये देखिए पेपर कुछ कुछ फाड़ा हुआ भी है ना, पेपर फाड़ के फेंका हुआ है। इसका वीडियो भी आपको दिखा दे रहे हैं, वीडियो भी देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे पेपर ये हो रहा था जो भी वहाँ पे दिख रहा वीडियो में, उसके पास था, वो फाड़ फोड़ के फेंक रहा था, तो उसके पास आखिर पेपर कहाँ से आया, पेपर अगर लीक नहीं हुआ तो। ये सब पेपर जो कि दिख रहा है जो कि एग्ज़ाम से पहले का है, तो एग्ज़ाम से पहले 8 बजे से एग्ज़ाम था, ये फ़ोटो लिया गया है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे फ़ोटो लिया गया है 7:22 में ही, तो ऐसा नहीं कि उसी समय पेपर आया है, बहुत पहले से ना पेपर घूम रहा है, तब ना पेपर उस समय लिया गया, फ़ोटो वोटो पहले से आया उस समय, ऐसा थोड़ी कि 7:22 में कोई मोबाइल लेकर ऐसा खड़ा था ऊपर से टपक गया अचानक फ़ोटो खींच लिया, उसको बाजाबता लिखा गया है बढ़िया से, हैं वो लिखा गया है, कब लिखा गया होगा, कब उसको और कितना वायरल हुआ होगा, इसमें तो डेट छप गया कैमरा में, आजकल छप जाता है ना, तो ये बुड़बक रहा होगा कि कम से कम इसको क्रॉप कर देता, लेकिन ये छपा गया इसलिए ज़्यादा इसमें पकड़ में आ गया, अदरवाइज अगर ये वीडियो कैमरा में भी नहीं लेता तो शायद नहीं पकड़ में आता। और मतलब पूरी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही दिख रहा है कि वायरल हो चुका था, मतलब इसका आंसर रटाया जा रहा है और कहीं कहीं क्वेश्चन आंसर इसका पहुँचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सब क्वेश्चन आपको दिखा दिए जिसमें कि क्या है सबका आंसर पहले ही से घूम रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो जो पैसा दिया हम लोग पास या आप लोग पास नहीं आएगा, गरीबों के लिए नहीं है वो, पैसों वालों के लिए, ठीक है। अब बताइए कि आखिर विश्वास कहाँ करें। उसके बाद सरकार कहाँ गया, इंटरनेट बंद 2 दिन तक, का है ताकि JSSC CGL का एग्ज़ाम हो रहा है इसलिए नेट बंद, यानी किसी तरह का कोई चोरी चमारी नहीं होगा नेट बंद करने से। नेट बंद कब किया ध्यान से देखिएगा, 8 बजे से 1:30 बजे तक। अब बताइए 8 बजे से 1:30 बजे तक अगर वो नेट को बंद कर रहा है तो उस बीच कौन सा हिसाब से का चोरी होगा, मोबाइल लेके तो घुसने देना नहीं था, मोबाइल लेके तो घुसना नहीं था, मोबाइल लेके थोड़ी घुस लेते हम, फ़ोन करके पूछेंगे कि फलाना क्वेश्चन होगा आंसर बता दो, कोई फ़ोन बताएगा जो नेट ऑफ कर दिया या व्हाट्सअप कोई कर देगा, हाँ जो नेट ऑफ कर दिया, अगर फ़ोन लेके घुस हो गया तो व्हाट्सअप में फिर कहाँ पूछता, कॉलों में तो पूछ सकता था, कॉलिंग वो बंद कर देना चाहिए था, नेट बंद किया वो भी 8 से 1:30 बजे तक। ऐसे थोड़ी कि कोई भी लीक होता है पेपर तो एग्जाम में लीक होता है, एग्जाम से पहले ना लीक होता है, एग्जाम बाद अगर वो आ रहा तो उसको लीक थोड़ी कहेंगे, तो एग्जाम देने घुस गया तब आप नेटवे बंद कर दीजिएगा या पूरा कॉलिंगो बंद कर दीजिएगा, सब बंद कर दीजिएगा, गाड़ी घोड़ा सब बंद कर दीजिए, लेकिन एग्जाम घुस लिया तब तो क्या फ़ायदा हुआ उसको बंद करने का। और कह रहा है कि इससे क्या है कि एग्ज़ाम अच्छे ढंग से हो, किसी तरह का कोई चोरी चमारी ना हो, किसी तरह का कोई अफवाह ना फैले, इसीलिए ऐसा किया गया है ना, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है झारखंड सरकार द्वारा। मतलब कोई आज तक एग्ज़ाम ही नहीं लिया था एगो झारखंडी सरकार एग्ज़ाम, खैर सही हो बात है 8-10 साल बाद लेता है तो खैर यो का मालूम, तो ये एगो एग्ज़ाम ले रहा है पूरा नेट उट बंद कर दिया, कितना करोड़ों का बिजनेस ठप हो गया, कारोबार ठप हो गया है ना, करोड़ों का, किसको हॉस्पिटल का ज़रूरत था, किसको क्या ज़रूरत था, सब ठप हो गया एग्ज़ाम के चलते, है ना, और वो भी क्या सही से एग्ज़ाम हो इसीलिए। लेकिन यहाँ पे हकीकत बात अगर बताया जाए तो हकीकत ये था कि नेट ऑफ इसीलिए किया गया था ताकि ये जो पर्ची अभी हो गया ना लीक, तो ये सब जो पर्ची है वो पहले वायरल ना हो जाए, पहले वायरल ना हो जाए, यानी कि जो पैसा दिया है बस उसी के पास पर्चियाँ रहे, उसका आंसर वह जो है जो पैसा में खरीदा है, पैसा दे के 25-30 लाख लगाया है उसी तक रहे, अंदाजी वायरल ना हो जाए,
जैसे पिछले बार हुआ था, और इस बार भी कैसे कैसे हो ही गया, थोड़ा सा फुचक गया हाथ से, है ना। तो यही एक इनका था कि नेट ऑफ रहेगा तो वायरल नहीं होगा, वायरल नहीं होगा एग्ज़ाम बाद होगा तो कहेंगे हाँ ये तो एग्ज़ाम बाद कोई लिखा होगा आंसर को, है ना, एग्ज़ाम बाद लिखा होगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसका आंसर को बाद में वो अपना देख रहा होगा कि काका सही लिखे का नहीं, तो इसलिए अपना लिखा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम से पहले थोड़ी वायरल हुआ। तो वही कारण है नेट को बंद करने का, नहीं तो अगर नेट बंद ही करना रहता तो 8 दिन से बंद कर देता हूँ ना, कहते कि हाँ 8 दिन से तो बंद है तो कहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी जो उतना पैसा लगाया है तो ऐसा थोड़ी है कि नेटवर्क भरोसा है, कॉलो करके पूछेगा कहाँ फल बोल, एक बता सकता पहला नंबर का ही आंसर दूसरा लिखते जाओ। नेट बंद करने का इसमें कोनो इथिये नहीं है, कोनो मतलब सेंसे नहीं है कि आखिर नेट का है बंद किया गया। एक तो परेशानी हुआ, आने जाने में भी परेशानी, पेमेंट ऑनलाइन सब जमाना है आजकल, तो बहुत लोगों का सिर्फ एग्ज़ाम देने वालों को नहीं अन्य जो जनसाधारण है सभी को दिक्कत हुई, कितना का कारोबार ठप हो गया। तो ये वजह ये सब है, तो इसलिए JSSC CGL का जो ये एग्ज़ाम है बहुत जगह हल्ला हो रहा है। हाँ बहुत जगह से ऐसा भी न्यूज आया है जैसे कि आपको दिखा दे रहे हैं साइड में, हजारीबाग का है, बिना सील क्वेश्चन दिया गया था, सील नहीं था क्वेश्चन, है ना। कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि पेपर, जैसे पेपर वन का परीक्षा था वो पेपर थ्री का था शुरू में, पेपर टू दे दिया गया या पेपर वन दे दिया गया शुरू में, है ऐसा भी हुआ है। तो खैर ये तो खैर ये सरकार का गड़बड़ी नहीं, ये अगर ऐसा हुआ है पेपर वन की जगह टू मिल गया थ्री मिल गया तो वो सेंटर का गड़बड़ी है, वो लोग गड़बड़ी किया है, वो लोग से भूल चूक हुआ है, वो मतलब नहीं, मेन मतलब है पेपर लीक, मतलब पूरी तरह से विश्वास को ख़त्म कर दिया जा रहा है। अब विश्वास करे तो करे किस पर करे, एक तो 10 साल 8 साल में कोई एग्ज़ाम निकल रहा है उसको भी बेच दिया जा रहा है सीधे 8 लाख 10 लाख में। जितना भी एग्ज़ाम अभी हुआ अब देख लीजिए सबका वही हाल है, PGT का हुआ या फिर लैब असिस्टेंट का हुआ या जितना भी JSSC एग्ज़ाम लिया सब, पिछली ही बार जब पेपर लीक का इतना बड़ा मामला उठा तो इस जांच को पूरी तरह से क्यों नहीं बाहर किया गया, और अगर पूरी तरह से इसका रिपोर्ट नहीं आया तो फिर दोबारा एग्ज़ाम क्यों लिया गया इलेक्शन के चलते। और वही इलेक्शन के चलते जो भी पैसा दिया रहा होगा उस समय 20-25 लाख जो बात हुआ तो दिया होगा, छोड़ थोड़ी देगा, उसको कहा होगा ना हम पैसा दिए हैं तो पैसा दो, और नहीं तो हमको अबर जो एग्ज़ाम उसमें सेटिंग कर दो, तो फिर से सेटिंग कर दिया, पैसा उतना कहाँ से देगा, तो कह दे ना थोड़ा हम क्वेश्चन थोड़ा सेटिंग नहीं चाहिए, तुमको आंसर नहीं चाहिए, पहले ही हम बता देंगे, टेंशन ना लो तू, है ना, बता दिया जो कि सबूत के साथ है। तो इस पर अब आपका क्या राय है, फिर से पिछले बार जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हो या क्या हो, बताइए कमेंट में।